बहुत अच्छा। हमने जो कुछ मांगा सब कुछ माता रानी ने दिया है हमें, उन्हीं की कृपा है। मैया रानी हमें हर साल ऐसे ही बुलाती रहे परिवार के साथ, यही मैया रानी से हमारी प्रार्थना है। जय माता दी। माता जी की गर्दन जो कल आरती होगी तीज वाले दिन, उस दिन सीधी हो जाएगी। आगरे वालों की आरती होती है और उस दिन मैया की नाल सीधी हो जाती है। राधे, जय माता की। साथियों, आज के पावन पर्व पर हम आपको ऐसी देवी के दर्शन कराने लाए हैं जो ब्रज में लट्ठों से उनकी पूजा होती है। तो उन्हीं अद्भुत देवी के दर्शनों के लिए नई सेमरी वाली माता हैं और उनके दर्शन आज आपको हम कराते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं इनके, और माता की पूजा होती है वो भी बहुत ही अद्भुत और अलग तरीके से होती है। और कल इनकी एक आरती होगी, आज तारीख होती है वो बहुत ही भव्य आरती होती है। इस तरीके की इनकी आरती होती है कि जो पुजारी होते हैं वो उस दिव्य जो उनकी आरती करने के लिए जो दिए होते हैं उनको इतनी स्पीड में वो चलाते हैं और एक कपड़े से वो छुपाते हैं, और जब वो कपड़े से छुपाते हैं तो इस तरीके से उनको माता की जो कृपा होती है वो उन भक्तों पर पड़ती है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेले की अद्भुत तैयारी है और काफ़ी लंबा ये सफ़र होता है, लेकिन हमने जो वीडियो प्रारंभ की है वो बिल्कुल मंदिर के गेट नंबर 2 से प्रारंभ की है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं, ये गेट नंबर 2 मंदिर के बिल्कुल पास में पड़ता है, और इसी गेट नंबर 2 से सामने जाएंगे तो NH2 पड़ता है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में, तो आप हमारे साथ चलें और संपूर्ण दर्शन माता रानी के करें। ये देखें, ये गेट नंबर 2 है, और जो हम पहले आए थे वो गेट नंबर 2 का मुख्य मार्ग था। तो ये आप देख रहे हैं, गेट नंबर 2 पर हम आ चुके हैं और माता रानी के आपको अद्भुत दर्शन यहाँ पर कराते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर माता रानी के दरबार में जाने के लिए बहुत ज़्यादा भक्तों का सैलाब होता है, लेकिन अभी बिल्कुल शुरुआत के नवरात्रा हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो आपको कम नज़र आ रहा है। और दोपहर का समय है, दोपहर के समय में भक्त बहुत ही कम आते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं, पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं और फिर आपको यहाँ जो बाहर के दृश्य हैं उन सभी दृश्यों को हम दिखाएंगे। इस मंदिर के पास ही यमुना महारानी भी बहती हैं, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर भक्तों का आप सैलाब देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत। और अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर में। बिल्कुल, क्या महिमा है पटवारी? ये माँ ब्रजेश्वरी देवी महारानी जी का मंदिर है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये हमारे परम पूज्य श्री दादू भगत जी की पटवारी है। ये मेला बहुत ही भव्य और दर्शनीय है, ये बहुत ही परंपरा से मेला चलता आ रहा है। इसकी पूजा पद्धति जादों परिवार ठाकुरों से की जा रही है, ये यहाँ का सम्मान है। सभी लोग बड़ी खुशी से इस मेले को मनाते हैं, बहुत ही दूर दराज से भक्तगण आते हैं और माँ की भक्ति का आनंद लेते हैं। जय माता रानी। जैसा कि ये माता का बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना, यहाँ कल विशाल आरती होगी जो नामी है, और वो शाम को 6:30-7 बजे निकलती है, और नौमी वाले दिन लठ पूजा होती है करीबन 2-2:30 बजे के आसपास। हाँ, जादव ठाकुर इसकी पूजा करते हैं, और ये माता का वरदान था कि नौमी वाले दिन आप हमें लठ से ही पूजोगे। तो ये प्राचीन प्रथा है, पहले से ही लठ पूजा होती आ रही है जी। हाँ जी, उसकी व्यवस्था ये अंदर, ये पूरा फील्ड साफ हो जाएगा। 3 आरती निकलती हैं, 1 आरती यहाँ निकलेगी, 2 आरती बाहर निकलेंगी। आगरा वाले निकालते हैं आरती धांधू भगत के वंशज। माता का सिर है वो टेढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों। ये माता ने वरदान दिया था, सामने ये आप देख रहे हो ये धांधू भगत हैं। जब ये माता को लेके आए थे तो ये माता हिंसके पेड़ के नीचे फंस गई थी। अच्छा। तो वरदान दिया था माता ने कि तुम जहाँ भी मुझे मुड़ के देख लोगे मैं वहीं मुड़ के वहीं बैठ जाऊंगी। तो धांधू भगत ने माता को, धांधू भगत निकल के वहाँ पहुँच गए,
माता वहाँ रह गई, तो दांदू भगत ने देख लिया कि कहीं माता फंस तो न गई इसमें, तो माता वहीं की वहीं बैठ गई। ठीक है, तो सामने दांदू भगत बैठ गए। ये साल में एक ही बार देखती हैं इनकी तरफ, तीज वाले दिन तब आरती होती है। अब माँ की गर्दन टूट गई है, तीज वाले दिन अब आप देखोगे आपको आरती के समय बिल्कुल सीधी मिलेगी। अच्छा जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना अद्भुत यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो बहुत ही ज़्यादा, और कल का जो दिन होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा अपने आप में यहाँ पर, क्योंकि कल के दिन यहाँ पर माता जी की जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उसके आप अद्भुत दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। तो कल शाम को 6:30 बजे यहाँ पर माता जी की आरती होगी, उसके संपूर्ण दर्शन आप करें। आप कहाँ से आएंगे? हम मथुरा से आए भैया। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? मंदिर में तो आके अच्छा ही लगता है, और कैसा लगता है? तो आप यहाँ पर कितने दिनों से आती रहती हैं? काफी साल हो गए, नवद्रगाँव में ही आते हैं भैया। तो कल यहाँ पे आरती होगी, उसके दर्शन के लिए आएंगे आप? मथुरा से रोज आना तो नहीं बनता है, नवद्रगे का व्रत रखा है, मेहर वाली बात है, होती है तभी होता है। जैसा कि आपने देखा भक्तों में बहुत ही यहाँ पर उत्साह दिखाई। ये मैया का हवन है, ये बहुत महत्वपूर्ण से किया जाता है और सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती हैं यहाँ पर, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। तो यहाँ पर सभी भक्तजनों, जितने भी भक्त आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंदिर है और बहुत ही अद्भुत आप यहाँ पर माता रानी के हवन के दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर के यहाँ कर यहाँ मंदिर में आएँ तो यहाँ पर जो भभूति है उसका आप तिलक करवाएं और माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी, आप यहाँ पर आते रहें और माता रानी की कृपा पाते रहें, क्योंकि ये माता एक ऐसी माता हैं जिनकी यहाँ पर लट्ठों के भी द्वारा पूजा होती है और इनकी जो गर्दन है वो भी कल सीधी हो जाएगी, तब इनकी आरती होगी और वो दर्शन मात्र एक दिन के लिए ही होते हैं, बाकी तो माता जी की जो गर्दन होती है वो टेढ़ी रहती है। आप जो माता जी की गर्दन है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? माता जी की गर्दन जो कल आरती होगी तीज वाले दिन, उस दिन सीधी हो जाएगी, आगरे वालों की आरती होती है और उस दिन मैया की नाल सीधी हो जाती है। तो देखा आपने यहाँ की जो बहुत ही अद्भुत महिमा है उसके बारे में हमने आपको बताया, और अब हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे और यहाँ पर दिखाते हैं जो मंदिर में मेला लगा हुआ है उसका किस प्रकार से आनंद भक्तजन ले रहे हैं। तो अब हम आपको कराते हैं मेला के दर्शन। ये देखें कितनी अद्भुत यहाँ पर इमरतियाँ सिक रही हैं, यही यहाँ पर जो मेले का आनंद होता है इन्हीं जलेबियों और इमरतियों से यहाँ पर भक्त लोग लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये ताजी ताजी इमरतियाँ बना रहे हैं और ये देखें कितना अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये चूड़ियाँ हैं, माता जी को सभी लोग चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। ये देखें आप कितना अद्भुत मेला यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मेला के बाहर की तरफ, दृश्य दिखाते हैं। देखें यहाँ पर माता रानी के जो जितने भी श्रृंगार हैं उनको भक्तजन यहीं से ले जाते हैं और पास में ही बिल्कुल मंदिर है। ये जो समय है ये दोपहर का समय है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो अभी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अरे विष्णु आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 100 रुपए में 3 खिलौने, 100 रुपए के 3 आइटम, 100 रुपए में 3 आइटम आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लाए हैं। तो हाँ 5 कैन डालो और